अंता भाई आप रो क्यों रहे हो? डॉक्टर ने मुझे बुलाया था ब्लड टेस्ट के लिए, उन्होंने उंगली काटी है मेरी। मैं तो जा रहा हूँ घर पे, मुझे टेस्ट नहीं करवाना इस डॉक्टर से। भाई आपको कौन सी टेस्ट करवानी थी? यार मुझे छोटा पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो रही थी, तो मैं यूरिन टेस्ट के लिए आया था। तुम्हारी तो सिर्फ उंगली कटी है, मेरा कुछ और ही कट जाएगा। मैं जा रहा हूँ वापसी। जानू जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से मेरी सिगरेट और पान की आदत छूट गई है। अच्छा सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? कमीनी तेरे चक्कर में अब मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचते। मैडम जी इस झील में स्विमिंग करना मना है। अगर तुमने मुझे ये बात उस वक्त क्यों नहीं बताई जब मैं कपड़े उतार रही थी? क्योंकि मैडम यहाँ सिर्फ स्विमिंग करना मना है, बाकी जो चाहे कर सकते हो। यार कल मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। अच्छा वो क्यों? कल मैं बस में सफर कर रहा था, मेरे पेट में जबरदस्त गैस बन गई। इत्तेफाक से बस में गाना जोर से बज रहा था और मौके का फायदा उठाते हुए मैंने भी बड़े स्मार्टली तरीके से गाने की धुन में धुन मिलाते हुए रिलीज कर दी और किसी को पता भी नहीं चला। जब मैं उतरने लगा तो देखा सब मुझे घूर रहे हैं और अचानक मुझे याद आया कि गाना तो मैंने हेडफोन लगा के सुन रहा था। हाँ भाई क्यों परेशान हो, कोई बीमार वगैरह हो गए क्या? हाँ यार कल से बुखार है, बुखार उतर ही नहीं रहा मेरा। तेरे पापा तो डॉक्टर है ना, और फिर भी तू बीमार हो गया, शर्म की बात है यार। शर्म की बात तो ये है कि तेरे पापा कंडम बेचते हैं और तू फिर भी पैदा हो गया। भाई तेरे पास एक वाइट कलर का कंडम है। भाई तुझे वाइट कलर का कंडम क्यों चाहिए? यार वो पड़ोसन का हस्बैंड गुजर गया है, अफसोस करने के लिए जाना है।